पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने सचिवालय स्थित सभागार में विभागीय समीक्षा बैठक करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि पशुपालन के क्षेत्र में नए पदों के सृजन के साथ ही नई योजनाओं को धरातल पर लाने के लिए कार्य योजना बना ली जाए, जिससे राज्य के युवाओं को रोजगार भी मिल सके और पशुपालन के क्षेत्र में अधर में लटकी तमाम योजनाएं भी समय रहते पूरी हो सके। इसके साथ ही उन्होंने आंचल दूध के नए प्रोडक्ट को नई पहचान दिलाने के लिए आउटलेट खोले जाने को लेकर भी निर्देश दिए, जिन्हें सितंबर माह तक पूरे होने की डेडलाइन तय की गई है। देखिए, आज सारे डीएम्स के साथ हमने एक ऑनलाइन मीटिंग करी है। मकसद तीन विभागों के थे। एक हमारा गोट, हम कॉन्सेप्ट ला रहे हैं जिसमें कि हम गोट वैली स्टैब्लिश करने जा रहे हैं उत्तराखंड में। पूरी की पूरी वैली गोट फार्मिंग से हम प्रभावित कराएंगे। पांच हमने जिले उसमें चिन्हित करे हैं, पर्वतीय जिले। उसके बाद जब वहाँ पर रिजल्ट अच्छे मिलेंगे तो उसको आगे पर्वतीय जिलों में बढ़ाया जाएगा। तो सारे डीएम्स के साथ इतना ही हम लोगों ने आज मीटिंग करके इनको यही निर्देश दिया है कि आप जो है अपने जिला योजनाओं में कुछ हमको फंड गोट वैली के लिए चाहिए था तो उसमें किस तरीके से उसका प्रावधान किया जाए और कैसे लोगों को गोट फार्मिंग, गोट वैली के कॉन्सेप्ट के साथ जोड़ना है, उस पर एक चर्चा करी गई थी। दूसरा, फिशरीज़ डिपार्टमेंट की एक मीटिंग सारे हमारे डीएम्स के साथ थी। उसमें पहले स्टेट हम चाहते हैं उत्तराखंड बने, जो आज़ादी के 75वें महोत्सव का जो हमारे यहाँ पर 75 पॉन्ड्स बन रहे हैं उसको हम फिशरी से इंटीग्रेट करके जोड़ना चाह रहे हैं और उसमें हम अपने महिला समूह, हमारे कश्यप समाज के लोग या हमारे युवक मंगल दल, लोगों को रोज़गार से जोड़ने की बात हो रही है और उत्तराखंड पहला स्टेट होगा जो आज़ादी के महोत्सव के 75 जो पॉन्ड होंगे उनको फिशरीज़ के साथ जोड़ेगा, उस पर चर्चा हुई थी। तीसरा, हमारा जो जो हमारा मिल्क फेडरेशन है उसमें हमने आंचल बूथ की इस्टेब्लिशमेंट जिले के हर सरकारी इस्टेब्लिशमेंट में करने की बात करी थी कि हम आंचल के बूथ हर जिले के सरकारी संस्थाओं पे लगाएंगे। वहाँ पे कुछ ढिलाई चल रही थी, हमने एक महीने पहले डीएम को जो लेटर लिखा था, शासन ने लिखा था, लेकिन उस पर एक्शन बहुत नहीं हो पाया है। तो आज हमने उनको स्ट्रिक्ट एक्शन दिए, बोला गया है, आदेश दिए गए हैं कि एक महीने के अंदर अंदर हमको सारी जगह उपलब्ध कराई जाएगी ताकि हम सितंबर से उनको धरातल पर उतार सकें।